आएगा थोड़े दिन में। असम, देमा और फुजेरा, ये सेवन स्टेट्स पे एक कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका जो है अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है। ओके। और अबू धाबी के जो रूलर हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं। और जो दुबई के रूलर हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई है। ऐसा यूनियन काउंसिल है। बाकी जो फाइव सिटीज के जो रूलर हैं वो अपना सेपरेट सेपरेट सिटी चलाते हैं। अबू धाबी के जो रूलर हैं वो अपना सिटी, दुबई के रूलर अपना सिटी, इनका हिस्टोरिकल प्लेस ब्रिटिश विलेज रहते थे पहले। ओके। इनके पुराने घर है, ये अभी खाली है, इसमें कोई रहता नहीं है। ओके। पर किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, किसी ने कॉफी शॉप खोला है। ओके। लोग आते हैं, टूर करते हैं, इसको देखते हैं। म्यूनिसिपैलिटी जो है इसको मेंटेन रखती है, यहाँ की दुबई म्यूनिसिपैलिटी। गाइस, ये है हाउस ऑफ शेख खलीफा बिन शेख अल मक्तूम। ये इनका पुराना घर होता है, ठीक है। इनके कल्चर पे ये सब मेंशन, इनके घर कैसे होते हैं, एंट्रेंस कैसे होते हैं, कैसे रहते थे यार। ओए होए होए होए, क्या फील आ रही है। बल्ला बल्ला, न्यू ब्रिज बना है, इंफिनिटी ब्रिज बोलते हैं इसको। और ये टनल जो है ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम के टाइम पर, बिल्कुल ये भी वैसे है, लेकिन इसका नाम मजबूत है। इसको जैसे दरख्त से ये निकलता है सामरानी की तरफ से, इसको गर्म पानी में डालते हैं साइनस के लिए, हेडेक के लिए और माइग्रेन के लिए। सही। और अगर मोच वगैरह आता हो, कमर में दर्द हो, तो उसको ऑयल में डाल के मसाज भी करते हैं। इसको गर्म पानी में डाल के चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर कहीं आप बेड चेक करने के लिए, जो इंडियन लोग आते हैं ना, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश के, यू करते हैं, ये समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। आसान तरीका ये है, इसको आप अपने जबान से रखिए थोड़ी देर के लिए, और जहाँ आप लेने जाओ ज़ाफ़रान, तो उससे थोड़ी देर बात कीजिए। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं लागूना बीच। और अभी तक के हमने दो तीन जगह नहीं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना एक ऐसी चीज़ है, जब हम किसी सिटी में जाते हैं, कंट्री में जाते हैं, तो अपने को क्या है कि वहाँ का पूरा कल्चर देखने को मिलता है। इस कंट्री में बहुत ही प्लस पॉइंट लगा मुझे कि दो साइड है, लेफ्ट एंड राइट। राइट में पूरा ओल्ड दिखाएंगे, ओल्ड मतलब 51 ईयर्स, 55 ईयर्स दुबई। और अगर हम उसी चीज़ को अगर आप लेफ्ट की तरह देखेंगे तो बिल्कुल न्यू, जो कि 25 ईयर्स बैक बना नया, मतलब आपको दोनों दुबई देखने को मिल रहे हैं, नए घर पुराने घर, तो अमेजिंग यार। और आप ना यहाँ पे योगर्ट मिल गया, यहाँ पे पिंक बेरी फ्रोजन योगर्ट। I miss that moment.
look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. आप देख सकते हो मार्शमेलो है यार बीच में. यम यार. पिंक बेरी ओरिजिनल योगर्ट का एक फाइनल टच देख रहे हो आप. ठीक है, क्या प्यारा लग रहा है. ब्लैक बेरी है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, मार्शमेलो है, ओरिजिनल योगर्ट. और ये मैंने एक बार ट्राई किया था सिंगापुर में 2018 या 17 की 18 की बात है ये. और उस टाइम मुझे उससे मैंने ओरिजिनल नहीं, उसमें मैंने फ्लेवर लिया था, वो बहुत यम था. तो इस बार मैंने ओरिजिनल लिया है मार्शमेलो के साथ. एक बार ट्राई करके बताऊँगा आपको कैसा है. अमेजिंग यार, मतलब वर्ड्स नहीं है. अल्टीमेट मतलब यार, मैं सच बताऊंगा यार, ये नहीं खाया ना, कुछ नहीं खाया. हमें इतना आइडिया नहीं है वो होटल जो है वो भी फाइव स्टार है कि नहीं, या वो अपार्टमेंट्स है या वो होटल है. बट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक यूनिक लगा है मेरे को. हाँ, बॉक्सेस बने हुए हैं. गाइस, खुश होने की कोई उम्र नहीं होती. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आंटी को देख के ना. वो देखना, और बहुत सही है.
पुल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। एक्चुअली क्या है, कामत के साथ ही एक और रेस्टोरेंट है, बिल्डिंग से है, तो हम उस वाले रेस्टोरेंट में घूम चले गए। इतना गड़बड़ हो गया कि हमने उनसे मेन्यू मांगा और बाहर लिखा हुआ मैंने आपको दिखा ना प्योर वेजिटेरियन। हम अंदर चले गए, हमने कहा चले यार कुछ अच्छा से ऑर्डर करते हैं। स्टार्टिंग हुई मुर्ग से, मटन से, प्रॉन से। मैंने कहा यार वैसे बाहर वेजिटेरियन अभी इन्होंने ये डाला हुआ है, समझ नहीं आया। ऑर्डर करने ही वाले थे हमने, वैसे पूछ हमने ये बोला कि जो भी खाना लाओगे बड़े ध्यान से लाना, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया क्या होता है उन लोगों का ना, अगर आप जैसे मैकडी में कहीं से भी आउट ऑफ इंडिया जाओगे ना, वेज बर्गर बोलेंगे आप, तो वहाँ पे वेज बर्गर नहीं होता, वो चिकन बर्गर होता है। सिंगापुर में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, बट ठीक है बच गया था वहाँ पे। अभी यहाँ पे फिर हमने जैसे बोला ना, वी आर प्योर वेजिटेरियन, तो जो बिरयानी लेके आया वो प्रॉपर वेजिटेरियन लेके आया, तो बोले ये तो हमारे बगल में ही है ना कामत रेस्टोरेंट, हम उधर खा लो, वो वेजिटेरियन। हमने कहा वो ही समझ के आए थे, फिर अब हम आए कामत रेस्टोरेंट और यहाँ पे आके हमने अपनी ऑर्डरिंग कर दी है। और वेजिटेबल बिरयानी, मिस्सी रोटी और इसके साथ ये दिया है मिक्स वेजिटेबल रायता। सो अभी तक बताते हैं कैसे। ये है माउथ फ्रेशनर और ये है हैंड सैनिटाइजर। खाना इतना अच्छा था ना, मैं आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, मतलब सच बताओ इंडिया की याद नहीं। अदरवाइज बाहर आ गया ऐसा लगता है यार घर की याद आ रही है। खाना तो आए हो क्या, खाना था अमेजिंग। कभी भी आप दुबई आओ तो इस रेस्टोरेंट में आओ। गाइस ये यहाँ का लोकल स्कूटर, गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, और ये कहीं पे भी मिल सकता है आपको, किसी भी कोने में मिल सकता है ये, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं ना यूज़ करूँ ऐसे चलाने वाला, बट कौन क्या कुछ कह रहा है। मैम इसके ना माइक में मैंने बोला है कि हमें बता दो ना ये कितना दिराम लेगा। 24 आवर्स में आता है मेरे को इतना पता है, बट ये 20 दिराम है, 30 दिराम बता दो, हम यूज़ कर लेंगे आप। ऐसी आवाज़ आती है इसमें, टू टू टू। हेलो पुलिस अंकल, हमारा फाइन मत कट करना बस, हम चले जाएंगे थोड़े दिन में। जाने देंगे बीबी, याल्ला हबीबी डोंट टच, जाने देंगे बीबी। इधर फाइन लग जाते हैं किसी भी चीज़ को, बड़ा स्ट्रिक है यार सिस्टम। हाँ, अभी तक अपना होटल नहीं दिखाया जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। ये वहाँ की साइड व्यू है क्योंकि हम वहाँ से पैदल ही आ रहे थे। होटल का नाम आप ऊपर देख सकते हो, सिटी मैक्स होटल। और बहुत
You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai.